हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज हमने बनाया है वेजिटेबल पुलाव, और उसको बनाया हमने कढ़ाई में। कुकर का इस्तेमाल हमने नहीं किया, और ये देखिए कितना खिला खिला ये पुलाव बना है। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको दिखा रही हूँ कि ये पुलाव सचमुच बहुत खुशबू वाला और बहुत अच्छा बना है। तो आज थोड़ा हमने तरीका अलग अपनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल पुलाव रेसिपी। सबसे पहले हम कोई एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 गिलास राइस। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। इनको मैंने चेक कर लिया था, इसमें कोई कंकर पत्थर नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। तो पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें जब भी आप राइस बना रहे हैं। 4-5 पानी से मैंने इनको धो लिया, और 10 मिनट के लिए हम इनको इसी तरह से ढककर रख देंगे। नेक्स्ट हम ले लेंगे एक पैन, और जितना हमने राइस लिया है उतना ही पानी लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास राइस लिए, तो 1 गिलास पानी ले लिया मैंने। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 हरी इलायची, 2 लौंग, 3-4 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है, दो छोटे टुकड़े सिनेमन, और यहाँ पर ले रही हूँ मैं ये तेज पत्ता। सबको हमने पानी में डाल दिया, गैस ऑन करके हम इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए जब तक पानी बॉयल होता है हम सब्जियाँ देख लेते हैं। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया अनियन, ग्रीन कैप्सिकम, मशरूम, कैरेट और बीन्स, और फ्रेश हरी मटर आधी कटोरी। तो सब्जियां आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आप लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्जियां सारी जो हैं वॉश होके कट हो चुकी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पानी भी बॉयल हो चुका है, तो अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले दिखा देती हूँ कि सब कुछ रेडी है। इस तरह से आप पहले रेडी कर लीजिए। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख दी है। मैंने शुरू में बताया कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें आप कोई भी ब्रांड का ऑयल यूज़ कर लीजिए, बस मस्टर्ड ऑयल ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटकता है हम इसमें डालेंगे अनियन, थोड़ा सा इसको हिला लेंगे इस तरह से, हल्का ही सोते करने, ज़्यादा नहीं। अब इसमें डाल रहे हैं हम फ्रेश हरी मटर। बहुत अच्छी लग रही है मटर क्योंकि फ्रेश हैं, और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था गर्म पानी में। और बीन्स, कैरेट, आप चाहें तो इकट्ठी भी डाल सकते हैं सारी वेजिटेबल, पर अच्छा लगता है जब हमने इतने अच्छे प्यार से काट के रखी हैं। तो प्यार से ही बनाएंगे, और इस तरह से हम डालेंगे। यहाँ पे मशरूम डाल दिए मैंने, और अब डाल दिए कैप्सिकम। सब्जियाँ आप मनपसंद की ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्वांटिटी। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं, सोते ही करना है हमने। चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इन्हें कि जल ना जाए, इसलिए थोड़ा हिलाते रहें इसे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार छोटा चम्मच है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक। साथ ही डाल रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, और ये डाला हमने आधा चम्मच भुना हुआ जीरा जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है। तो कोई आज हम एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इस मसालों को हम मिक्स कर देंगे इन वेजिटेबल्स में। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने राइस भिगा कर रखे थे, उनको भी इसी में मिक्स कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमने राइस सारे जो हैं मिक्स कर लिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक देना मत भूलिएगा। यहाँ हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे इस स्टेज पर पानी। वैसे हम नॉर्मली ये सारे मसाले जो हैं पहले तड़के में डालते हैं फिर हम पानी डालते हैं, लेकिन आज हमारा यही तरीका अलग था
कि हमने पानी में इनको बॉयल करा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसालों का जितना भी जो उनके अंदर खुशबू होती है वो सारी इस पानी में आ चुकी है। तो मैं सचमुच कह रही हूँ आपको कि एक बार ये तरीके से आप जरूर बनाइएगा। तो चलिए अब हम इसको 6-7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। यहाँ पर मेरे को 7 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने थोड़ा सिम कर दिया था गैस को, आँच तेज ना रखें। ये देखिए कितना खिला खिला ये पुलाव बना है, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि हमने आज कुछ अलग तरीके से बनाया है। वापिस से इसको हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो भी कमी है 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो ये लीजिए, मैंने इसको 5 मिनट तक स्टीम में रखा था और अब ये जो अच्छे से पक चुके हैं, तो चलिए अब हम कर लेते हैं इनको सर्व। तो ये लीजिए, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनकी सचमुच खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये प्लेटिंग कर ली है पुलाव की, और मैं आपको अपने मन से सचमुच कह रही हूँ कि ये बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले बने हैं। आप कोई भी ब्रांड के राइस ले लीजिए, महंगे या सस्ते की बात नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको खुशबू और स्वाद दोनों ही मिलेगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी पुलाव की। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हमें करते रहना चाहिए कुछ अलग सा और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा ही मिलता है। टेक केयर, बाय बाय।